second day at Tirupati Mein. So right now we are in the bus and heading towards for what? Nandakam. Nandakam in the sense Rahul aaj mundan karwane wale hai and main mundan nahi karwane wali hu, bas jaake dekhne wali hu. And like aaj hum log jayenge darshan ke liye bhi, to sara sab kuch jo bhi kaam hai uska mundan karwana, uska like darshan karwana, wo sara sab kuch hum aaj hi karenge. And right now we are heading and abhi jo hum baithe hain na, ye free bus hai, to abhi hum free bus mein baithe baithe ja rahe hain rahul ke mundan karwane ke liye. And I'm very excited, because कभी भी मैंने राहुल को मुंडन करवाते हुए नहीं दिखाया. So let's go and आप लोग भी देखो राहुल को कैसा लगने वाला है, कैसे दिखने वाला है राहुल. तो अभी हम नंदेकम जा रहे हैं बाल को डोनेट करने के लिए. सो मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ. आई थिंक मेरा साउंड आपको इतना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ. मैं जोर से नहीं बात मारूँ, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ साइलेंस का बना हुआ है, पीस बना हुआ चारों तरफ ही साइलेंस के लिए. इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं नंदेकम, वहाँ पर जाके मैं अपना बाल डोनेट करने वाला हूँ. और रोहिना अपनी एक उंगली की बाल डोनेट करने वाली है. सो लाइक एक फीट जैसे काटेगी, वैसे तो मेरे बाल उतना है नहीं, नहीं तो एक उंगली डोनेट करेगी. जो है वो एक हम लोग ने बाल डोनेट करने वाली हूँ. तो यहाँ से देखिए आप, ये है मीना कल्याण कट्टा नंदेकम रेस्ट हाउस. यहाँ पर बाल डोनेट करने के लिए सब जन आते हैं. अब मैं टोकन के लाइन पर और तो राइट नाउ वी आर हियर इन द टोकन एरिया. तो यहाँ पे बोले कि मतलब मुंडन करवाने से पहले टोकन लेना है. तो अभी राहुल और मैं जा रहे हैं टोकन लेने के लिए. राहुल इज हियर एंड जाते ही लाइक शायद टोकन देने के बाद जो है वो हमारा नंबर आएगा, फिर राहुल का मुंडन होगा. ये रहा राहुल इज हियर. ये क्या लिया? टोकन रिपोर्ट. टोकन और ब्लेड. चलो तो हमें टोकन मिल गया है और साथ ही साथ एक ब्लेड भी दिया हम लोगों ने. तो उन्होंने बोला कि हमें काउंटर नंबर 2 में जाने के लिए. तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे काउंटर नंबर 2 एंड यहाँ पे तो पूरा ही अलग ही सिनेरियो है. इस तरीके से अपने बाल वगैरह वो देते हैं. तो अब है राहुल की बारी. माय गॉड राहुल, चलो कोई बात नहीं, लिया हम डोनेट कर रहे हैं ना भगवान को. कोई बात नहीं, हम डोनेट कर रहे भगवान को. वैसे हम लोगों ने सोच रखा था कि जैसे कटिंग लाउंड पर छोटो कर
तो जो है वो मेरा जो तीन हिस्से जो थे वो मैंने कटवा लिया है एंड राहुल का भी कंप्लीट हो गया है। लिटरली ऑल डोंट नो दैट हाउ राहुल लुक, उन्होंने अपनी मूछ दाढ़ी वाली मुस्ताज सारा सब कुछ कटवा दिया है, बाल दाढ़ी एंड आई विल शो यू हिज फाइनल लुक। राहुल वाओ यू लुक लाइक चाणक्य। तो राहुल का मुंडन हो चुका है एंड अब हम जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं? नहाने के लिए जाएंगे। राहुल जाएगा नहाने के लिए, तो क्या डायरेक्टली आप होटल में आओगे या फिर होटल में नहाओगे? डायरेक्टली हम होटल जाएंगे, होटल जाके नहा धो के फ्रेश अप होके देन वी विल गो फॉर द दर्शन। दर्शन में भी जाके हमें लाइन लगना पड़ेगा, तो अभी हम चलते हैं और जाके फ्री बस दोबारा से ले लेते हैं जिस बस पे हम लोग आए थे। एंड हाँ, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ना फैसिलिटीज बहुत फैसिलिटीज सबसे मतलब बढ़िया वाला फैसिलिटीज है, क्योंकि लाइक कहीं भी अगर आप जाना चाहते हो तो आपको फ्री बस मिल जाता है या तो फिर आप लोगों को कैब वगैरह भी मिल जाएगा कि नहीं आपको पर्सनली मतलब प्राइवेटली अगर आपको जाना हो तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। बट हम लोग तो बस में और राहुल ही थे, तो फिर से हम लोगों ने फ्री बस ही ले लिया एंड साथ ही साथ जब हम दर्शन के लिए भी जाएंगे तब भी शायद हम फ्री बस ही लेके जाएंगे। सारा सब कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत अच्छा है और सबसे बढ़िया बात यह है कि ना यहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं है, मतलब हर जगह पे इतने साफ सफाई रखे हुए हैं, तो मजा आ गया। तो चलो अभी तो हम चलते हैं रूम में और रूम में जाके मुझे रिधान को भी नहलाना है, अपने आप को नहलाना है, राहुल भी नहाएंगे। फिर यही फॉर्मेशन टाइप का अभी आपका जो मन्नत है वेरी गुड टू कट योर हेयर हियर, सीन बोलो ईगो बोलो सब जाएगा अपना। हाँ यहाँ पे अच्छे रहो कि मैं चलना क्या बोलो हिंदी में होता मुझे क्या चीज बोलो मैं बोल दूंगी मेरे राम रो अब काटे घूमते राम रो। हाँ यहाँ पे बाल अपने हाँ यस यू ऑल लो तिरुपति आना अपने बाल को डोनेट करना इज वेरी ऑस्पिशियस माना जाता है। मेरा तो करना ही था भाई के लिए। हाँ जैसे हम लोगों ने सोच ही रखा था कि जैसे विधान होगा बोला नहीं था। हाँ तो आज मेरा वो भी कंप्लीट वो हमारा पूरा हो गया। आप दर्शन करके आज हम लोग बैक भी हो जाएंगे तिरुमला से तिरुपति चला जाएंगे। तिरुमला से हम लोग कल का हम लोग का ट्रेन है। नहीं नहीं चलना चलना है, लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो अब चलो 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 बस देख लेते हैं पहले। तो अभी निकलते निकलते लाइक राहुल ने कहा कि वो लुंगी लेगा, तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस है तो वो लेने वाला ले रहा है राइट नाउ। तो हियर इज राहुल ले रहा। हाँ हाँ गुड 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 अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। हमें बस तो नहीं मिला फ्री बस, तो इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो पैदल जाते जाते हम लोगों ने भी बहुत कुछ खरीद लिया, लाइक मेरे और माँ के लिए मैंने गजरा लिया और बाबा और राहुल के लिए धोती कुर्ता। और जाते जाते यहाँ पे बहुत बड़ी गौशाला भी हमें दिखा और आप लोगों को भी हम दिखाते हैं। ये रहा गौशाला, श्री वेंकटेश्वर गौशाला, श्री वेंकटेश्वर गौशाला आप देख सकते हो। ये रहा चलना, कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने स्लीपर्स नहीं पहने हैं, तो जो भी मतलब कंकर वगैरह है वो सारा सब कुछ पैर में चुभे जा रहा है। तो अभी हम जिस एरिया पे रुके हुए हैं तो उसको रिंग रोड बोलते हैं और रिंग रोड बहुत ऊपर है, तो डेफिनेटली यू ऑल नो कि यहाँ पे इंक्लाइंड रास्ता इंक्लाइंड है एरिया, तो ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड राहुल तो पैदल चलते चलते बहुत आगे निकल चुके हैं और मैं ये सारा सारा सामान वगैरह लेके मुझसे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, स्पेशली बेयर फुट। तो लाइक पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, माय गॉड ये कहां आ गए हम, और बहुत दूर है, बहुत दूर है। और हमें एक भी फ्री बस नहीं मिली आज, अभी आते वक्त हमें मिल गया था बट जाते वक्त हमारे पास एक भी खाली बस नहीं है।
लाइक हमारे होटल के आगे एक बड़ा सा हाथी मतलब गजराज आ रहे हैं। ये रहा मुझे, मतलब मैंने कभी भी मतलब जू में देखा है वो अलग बात है, बट यहाँ जो साउथ में जो गजराज होते हैं ना, मतलब इनको बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है। क्या कर सकते, यार ना ना ना, ये अभी आशीर्वाद दे रहे हैं। चलो वही तो दिए, 20 नहीं है तो छोड़ दो। मुझे तो डर लगा हाथी के सामने जाने में, तो राहुल ने लाइक उन्होंने मना कर दिया था कि मतलब फोटोज नहीं लेना है। तो जो भी हो, तो राहुल ने आशीर्वाद ले लिया गजराज से। गजराज से आशीर्वाद लेने के लिए राहुल ने 20 रुपीज पे किया है, पर हमारे पास खुले नहीं थे तो इसलिए मैंने किया। और इनफैक्ट मैं करती भी नहीं क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। तो जो भी हो, हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं एंड लाइक जाते ही अब जो भी है नहाना धोना सारा कुछ कम्प्लीट करना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया है। जाके फिर से दर्शन के लिए लाइन लगना पड़ेगा एंड कम से कम 10-12 घंटे तो लग ही जाएगा। हाँ, बैर चटको ना कपड़ा ले, बैर चटको। टिकी खा भाई सुत्यो, ए सुते पाए तो आज समझ में।